वहीं निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। बता दें कि झारभूमि वेबसाइट ठप होने के कारण पिछले 4 दिनों से जिला निबंधन कार्यालय में लिंक नहीं होने से रजिस्ट्री का कार्य ठप था, लेकिन बुधवार को ओटीपी के माध्यम से आधार वेरीफाई कर आंशिक रूप से रजिस्ट्री का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं रजिस्ट्रार घासीराम पिंगुआ ने कहा है कि कुछ टेक्निकल परेशानी थी, उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वेरिफिकेशन जो हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम से फिंगरप्रिंट के माध्यम से करते हैं, उसमें तकनीकी कठिनाई या फिर तकनीकी त्रुटियां हैं जिनको लोग दूर कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो NIC हैं, तो वो अगर ठीक हो जाएगी तो काम जो है सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन वर्तमान में ऐसा दिक्कत नहीं है। उन्हें कहा जाए कि OTP से जिनका रजिस्टर्ड है मोबाइल आधार के साथ में, तो उसमें काम सुगमता से हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन वो जो फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक KYC करते हैं उसमें दिक्कत हो रही है, जिसको अभी विभाग से हमने क्वेरी किया है, पूछताछ किया है, तो विभाग ने कहा है कि इसको हम लोग जल्द ही दूर कर रहे हैं और काम इजीली हो जाएगा। वेरिफिकेशन जो हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम से फिंगरप्रिंट के माध्यम से करते हैं, उसमें तकनीकी कठिनाई या फिर तकनीकी त्रुटियाँ हैं जिनको लोग दूर कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो NIC हैं,